ये देखें, अबीर फातिमा जनाब ये अंदर की हुई है। अबीर फातिमा आपने नहाना है उसमें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं तैमूर, उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत होंगे। आज की मुलाकात करते हैं स्टार्ट। अगर अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आज जनाब नई गुड मॉर्निंग, नए दिन के साथ आज के बाद स्टार्ट करते हैं। अभी जनाब मैं और अबीर फातिमा जो जा रहे हैं, अभी उठी है तकरीबन 11 बजे। बाकी आज बच्चा कोई भी घर में नहीं है, तो इसलिए अभी नाश्ता लेने के लिए जा रहे हैं जनाब। और एक दो चीज़ और लेनी है, वो लेने जा रहे हैं अभी। लेकिन अबीर फातिमा के लिए हमने नाश्ता ले लिया, और नाश्ते में लिया है जनाब, इसने नान लिए हैं और ये बिस्किट लिया है। और बाकी जो बच्चे हैं वो सारे जनाब अपने अपने मामा के घर चले गए हैं, अबीर फातिमा ने किए, क्योंकि घर में भी किसी को रहना है। तो जनाब ये इसकी जो है ना एक्टिविटी के लिए हमने इसकी एक नई डॉल निकाल ली है, पड़ी हुई थी, तो उसके लिए हमने जनाब ले ली है सेल भी। तो अभी इसको इसमें सेल डाल के देते हैं, ये भी थोड़ी सी एक्टिविटी करेगी। अबीर फातिमा डॉल में डालने सेल जी। खेलना हमने उसके साथ। और जनाब जी गर्मी भी है आज, फिर अच्छी खासी पड़ी है, धूप है, कभी आ रही है और बादल बन रहे हैं, तो यार मौसम अच्छा हो जाए फिर इंजॉय होगा। ये जी अभी अबीर फातिमा की डॉल, अभी इसमें हम जनाब डालते हैं सेल और इसको चला कर देते हैं अबीर फातिमा ताकि इसे खेले। जी भी हमने इसमें सर डाली है, अब इसको प्ले करते हैं। अबीर फातिमा ये देखो प्ले हो रही है, करूँ इसको? ये देखो भाई, ये देखो कैसे चल रही है। हाँ वाओ, क्या चाहिए? छोड़ो इसको, चलने दो, इसको चलने दो, खुद ही खुद चलेगी। नहीं जा रही, थोड़ा इसको इधर मूव करो। ये देखो भाई जबरदस्त। हाँ भाई नहीं जा रही, इसको घुमाओ इधर मेरी साइड पे, छोड़ दो, पाँव पीछे करो बेटे, पाँव पीछे करो। बिफा में प्यारी है, पापा प्यारी है जी। क्या कह रही है? क्या कह रही है? पीछे हो जाए, मैंने बाहर जाना है। उसको बोलो नहीं बाहर नहीं जाना, आपने मार पड़ेगी आपको। चलो इसको छोड़ दो, अब चलने दो इसको। जी सारे बच्चे जो हैं वो गए हुए हैं अपने ननियाल में, और अबीर फातिमा बेचारी अकेली बोर हो रही है, कहीं भी नहीं गई, और ये अकेली है क्योंकि कोई बच्चा घर में नहीं है। तो अभी मैंने सोचा कि चलो यार इसको थोड़ा सा लेके बाहर निकलते हैं, कहीं झूले वगैरह इसको दिलाते हैं। तो अबीर फातिमा तैयार है? अबीर फातिमा चलें भाई, किधर जाना है आपने? इसको भी बस एक ही जुबान पे कि नानों के घर जाना, नानों के घर अभी नहीं जाना, नानों के घर जाएगी जनाब 2 दिन के बाद। तो अभी फ़िलहाल इसको लेके चलते हैं बाहर, देखते हैं जनाब कौन सी हमें जगह मिलती है जहाँ पे इसका थोड़ा सा टाइम स्पेंड करवा दें, इसको कुछ झूले वगैरह दिलवा दें ताकि ये भी थोड़ी सी खुश हो जाए बेचारी इस कल से के लिए, है ना अबीर फातिमा? हाँ चलो आज बाहर चलें। ले जी अभी हम जा रहे हैं अबीर फातिमा के साथ, निकल चुके हैं, और यहाँ पर जनाब आपको सनसेट का व्यू दिखा रहा हूँ, नीचे ट्रेन का व्यू है। इस टाइम हम जनाब पुल के ऊपर हैं और सामने जो सनसेट हो रहा है, क्या ही खूबसूरत नज़ारा है, मैंने सोचा आपको भी ज़रूर दिखाया जाए। यहाँ पर ही है नेशनल पपी पार्क, तो वहाँ पे पहले देखते हैं क्या कुछ है, अगर कुछ हुआ तो ठीक, वरना फिर कुछ और देखेंगे। ये जनाब जनाब सामने पब्बी फॉरेस्ट पार्क, अभी पहले इधर चल के देखते हैं यहाँ पे क्या कुछ है, तो फिर यहीं पे टाइम स्पेंड करते हैं, वरना फिर कुछ और देखेंगे। आगे वो रास्ता है उधर को जाते हैं। आप यहाँ का व्यू देखिए, व्यू देखिए ना ऐसे पूरे हो जाते हैं, सनसेट का टाइम है, साइड पे ग्रीनरी हो, इस तरह बंदा ट्रैवलिंग कर रहा हो मज़ा आ जाता है। सूरज जो है अभी वो दरख्तों के पीछे है, वो नज़र नहीं आ रहा, किसी टाइम सामने आता है, किसी टाइम एकदम से छुप जाता है।
नेशनल पार्क सभी पार्क गए थे, वहाँ पर तो जनाब कुछ भी नहीं था। वहाँ पे जो है वो शायद कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, अभी फील्ड वगैरह ख़त्म थे, तो उससे आगे फिर हम आ गए जनाब ग्रैंड सिटी में। तो यहाँ पे इंटर होते हैं, देखते हैं क्या यहाँ पे सीन है। ये जनाब हम अभी जो है ग्रैंड सिटी में इंटर हो चुके हैं। यहाँ पे भी कुछ बच्चों के लिए एक्टिविटीज़ तो हैं, देखते हैं अब क्या सीन है यहाँ पे। जनाब अभी हम जो ग्रैंड सिटी में इंटर हो रहे हैं, यहाँ पे काफ़ी जो है कंस्ट्रक्शन का काम हो चुका है। मैं तकरीबन एक से दो साल के बाद तकरीबन यहाँ पे आ रहा हूँ, तो यहाँ पे तो जनाब काफ़ी जो है चेंजिंग आ चुकी है। चलो आगे चलो। तो वाली साइड पे जा रहे हैं झूले लेने। वीर फातिमा जनाब यहाँ पर आके थोड़ी सी खुश हुई है, वरना घर में बेचारी बोर हो गई थी काफ़ी। यहाँ पे जनाब बैडमिंटन का भी ग्राउंड बनाया गया है। जनाब ग्रैंड सिटी यहाँ से जो स्टार्ट हो गया है। जनाब वीर फातिमा इधर आ गई है, अभी देख रहे हैं। खैर जहाँ पे जनाब फुहारे लगे हुए और यहाँ पे हल्की हल्की सी फुहार आ रही है, काफ़ी ठंडा मौसम मज़े का। वीर फातिमा आपने नहाना इधर जाके, हाँ नहाना आपने। यहाँ पे जनाब ज़बरदस्त किस्म का मौसम हो गया है और आगे भी झूले वगैरह हैं, अभी आगे जाते थोड़ा सा इसको लेकर जी। अब इसको अंदर लेके चलते हैं, वहाँ से रास्ता है उससे लेके इसको थोड़ा सा अंदर चलते हैं। अभी फातिमा आ जाओ। ये झूले वगैरह लगे हुए हैं, लेकिन अभी फातिमा इधर अकेली जो झूला नहीं ले सकती, अब रज़ा उबैद वगैरह साथ नहीं है, तो वरना होते तो फिर ये झूला लेती। अभी इसको थोड़ा सा यहाँ से व्यू दिखाते हैं, काफ़ी ज़बरदस्त किस्म का यहाँ पर व्यू बनाया हुआ है, थोड़ा सा करीब जाके देखते हैं। बस एक चीज़ का यहाँ पे पूरा है वो ये कि यहाँ पे पानी बहुत गंदा है, पानी को यहाँ पे साफ़ होना चाहिए था, फिर ज़्यादा खूबसूरती बढ़ती। ऊपर से पानी साफ़ आ रहा है, लेकिन ये बीच में बहुत गंदा पानी है यार। यहाँ पे जो कुछ केज वगैरह बने हुए हैं और कुछ बेड्स और एनिमल्स वगैरह है। ये बंदर बिफा में इधर आओ, ये देखो मंकी, ये देखो इसको भी मारोगी आप। चलाओ आगे देखे कुछ और। उस आगे जनाब ये है पीकॉक मोर वगैरह, और वो देखें जनाब बंदर, इसमें भी छोटा सा एक वो बंद किया हुआ सामने पिंजरे में वहाँ पे। अभी फातिमा आपने जाना है अंदर? नहीं मार तो चक्की कहते मारेगा। नहीं देखे जी माशाल्लाह काफ़ी खूबसूरत मोर है जी बेटे। चलो आओ आगे कुछ और देखते हैं। यहाँ पे जनाब बहुत ज़्यादा पीकॉक्स हैं, यहाँ पे वो देखे जनाब बे वाइट कलर में भी है और उसने अंडा भी दिया हुआ है, वो देखें जनाब। आपको उम्मीद है कि नज़र आ गया होगा, हमने उसने अंडा भी दिया हुआ है माशाल्लाह। यहाँ पे जो है वाइट कलर के बहुत ही ज़बरदस्त खूबसूरत हैं। और इस तरफ है जनाब डक्स, ये देखो जी कितनी प्यारी सी। अभी फातिमा कितनी प्यारी सी है डक। यहाँ पे जनाब बंगले भी हैं, तो मेरे जी बंगले की इनकी टांगे कितनी कितनी लंबी टांगे हैं इनकी, कितने खूबसूरत लग रहे हैं माशाल्लाह से। और ये वाली डक देखें, खूब इंजॉय करिए जनाब पानी में इस टाइम। जी मज़ीद आगे चलते हैं। यहाँ पे कुछ आगे वो बच्चों के सामने झूले लगे हुए हैं छोटे बच्चों के लिए, अभी उस तरफ जाते हैं। तो और इस तरफ जो है कैंटीन्स वगैरह बनी हुई हैं, थोड़े से कुछ झूले उस तरफ भी हैं। अभी उधर चलते हैं अभी वर्मा को लेकर, और वो सामने देखें जनाब कितने बड़े बड़े लाइंस बने हुए हैं। और यहाँ पे जनाब एक सबसे खूबसूरत चीज़ है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, और वो ये है जनाब मस्जिद, माशाल्लाह माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत बनी हुई है। अभी फातिमा को जनाब सबसे पहले यहाँ पे स्लाइड करवाते हैं। अभी फातिमा इस तरफ से आओ, इधर से आओ, आ जाओ नीचे बैठो, आ जाओ।
अब जनाब दूसरी तरफ जो स्लाइड है उधर से इसको कहते हैं आजो 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 इसके अंदर से आजो आप इधर से आजो 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 इधर से आप नीचे आजो आजो अबीर फातिमा मज़ा आ रहा है देखें जनाब फुल एक्साइटेड है इस टाइम अबीर फातिमा तो कुछ समझ नहीं आ रही मैं कौन सा झूला लूँ चलो जाओ अबीर फातिमा ऊपर जाओ चलो ऊपर आओ इधर से ऊपर आओ इधर आओ आराम से चलो यहाँ से स्लाइड हो आजो नीचे आजो 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 कुछ भी नहीं हो रहा अभी फातिमा थोड़ी सी डर रही है नीचे गिर गई उसके अलावा वहाँ पे भी स्लाइड है लेकिन वो थोड़ी सी बड़ी है तो वहाँ से डर ना जाए इसलिए इसके लिए यही बेस्ट है कि यहाँ से नीचे आ जाए आजो अभी फातिमा आजो 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 नीचे आजो आजो अभी काओ का वो टेबल सा बना दिया बेंच सा बेंच टाइप इधर बैठने के लिए अभी फातिमा जनाब अभी इस पे आगे भी शरारतें कर रही है क्या है ये काओ है जब भी अभी फातिमा को ये जनाब ज़ेबरा नज़र आ गए इतने बड़ा साइज़ का बनाया हुआ है ये छोटे अभी इसको इसके ऊपर बिठाते हैं थोड़ा सा कह रही है इसके ऊपर बैठना चलाओ इधर आओ मेरे इधर आओ मैं आपको बिठाऊँ इधर आओ अभी जनाब जो है वीर फातिमा और मैं अभी जा रहे हैं जनाब यहाँ से वो ऊपर जाना है यहाँ पे वो लाइन वगैरह बने हुए हैं तो वैसे तो यहाँ से भी ऊपर जाया जा रहा है लेकिन हम वो सीढ़ियों के रास्ते से जाएंगे थोड़ा सा आसानी हो जाएगी लेकिन मुझे लगता है कि मुझे अभी फातिमा को उठा कर लेके जाना पड़ेगा जनाब ये जो सिटिंग के लिए हमने रेस्टोरेंट से बनाया हुआ है बहुत ही खूबसूरत किस्म का पहले तो नहीं था लेकिन अभी बनाया गया है लेकिन नहायत ही खूबसूरत किस्म का यहाँ पर बनाया हुआ है ये रिसेप्शन काउंटर बनाया गया है और ये एक एंट्रेंस यहाँ पे भी है और वहाँ से भी एक एंट्रेंस है बाहर ओपन एरिया में भी बनाया गया है लेकिन नहायत ही जो है वो खूबसूरत किस्म का बनाया गया है ज़बरदस्त जनाब इस रेस्टोरेंट का जो बाहर से व्यू है ओपन एरिया में ही बनाया गया है काफ़ी खूबसूरत लग रहा है आपने वो ऊपर जो लाइन नज़र आ रहा है उसके पास जाना है आपने वो देखो जनाब कितना बड़ा लाइन है एक और ये दो दो बने हुए हैं जनाब अभी इसके पास जाते हैं वीर फातिमा को लेके जैसे पानी लेकर आना कुछ भी भूल गए थे क्योंकि हम सोच रहे थे कि हम जो है वो किसी नज़दीक वाली जगह पे ही जाएंगे लेकिन हमें दूर आना पड़ गया तो यहाँ पे फिर पानी भी नहीं लेकर आए तो अभी पानी लेकर आए अभी पीते हैं और फिर ऊपर चलते हैं ठीक है वीर फातिमा ओके चलो वीर फातिमा एंडी पकड़ो मेरा अल्लाह अकबर करते हुए जाते हैं ऊपर अल्लाह अकबर फाइनली जी हम जो है ऊपर टॉप पे पहुँचाए हैं थक हार के यहाँ पे आपको दिखाते हैं जनाब लाइन दो व्हीकल लग रहा है पूरा दो व्हीकल इतना बड़ा और एक ही सरफ है अभी फातिमा ने काफ़ी हिम्मत की है वो खुद ही ऊपर आई थी हाथ पकड़ के यहाँ से जनाब आपको दिखाते हैं पूरा जो व्यू है ग्रैंड सिटी का वो जो आपको लाइटें नज़र आ रही हैं वहाँ से वो सारा ग्रैंड सिटी है और जस्ट यहाँ पे जो है थोड़ा सा प्ले एरिया बना हुआ है बच्चों के लिए या वो सामने होते उस तरफ और यहाँ पे इस तरफ जो है कुछ बिल्डिंग वगैरह बनी हुई हैं रिहाइशें लोगों की बन चुकी हैं यहाँ पे तो जनाब एक बेहतरीन किस्म का जो व्यू था वो मिस होने वाला था मैं नीचे जाने लगा था लेकिन मेरी अचानक से नज़र पड़ी मैंने कहा आपको दिखाऊं चांद देखें कितना खूबसूरत लग रहा है माशाल्लाह ज़बरदस्त
इस तरह टॉप पे आके इस तरह का व्यू देखना बहुत ही मज़ेदार का होता है। ये दूसरी साइड है, सिर्फ इतना कुछ ख़ास नहीं है। वो सामने जनाब वो अमेरिका का वो जो स्टैचू था वो सामने बना हुआ है, वो सामने उस तरफ। अभी यहाँ पे जनाब आपको दिन का व्यू दिखाया था, थोड़ा सा अभी रात का व्यू दिखाता हूँ। देखें जनाब यहाँ पे ज़बरदस्त किस्म की ये लाइटिंग वगैरह हुई है, काफ़ी अच्छा है ये व्यू लग रहा है। अभी सिर्फ वही पहले वाली कमी है कि यहाँ पे पानी जो है वो गंदा है, बाकी व्यू जो है ज़बरदस्त है। लेकिन अब आपको पीछे वो वाला व्यू दिखाया था, और अभी एक जो है यहाँ से ये व्यू दिखाता हूँ आपको। अभी लाइटिंग ऑन हुई है और ये कितना ज़बरदस्त किस्म का लग रहा है व्यू, ये देखें। अबीर फातिमा जनाब ये अंदर की हुई है। अबीर फातिमा आपने नहाना है उसमें? हाँ ये बिल्कुल रेडी है उसमें नहाने के लिए, लेकिन ये नहाने के लिए नहीं बना हुआ, ये बस खूबसूरती के लिए है। यहाँ से जनाब आपको ये मस्जिद का व्यू भी दिखाया जो उस टाइम मैंने आपको दिखाया था, ये देखें माशाल्लाह से ज़बरदस्त बहुत खूबसूरत मस्जिद बनी हुई है। नहीं जी अभी जो है हमारी वापसी होगी, काफ़ी थक चुके हैं, अबीर फातिमा भी काफ़ी थक गई है, तो अभी जनाब चलते हैं घर को वापस। अबीर फातिमा भी कह रही है जब भी घर चलें, तो अभी हमारी वापसी से लाभ खरीदर एंड करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई तो लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। गर्मी बहुत हो रही है और इसीलिए मैं ब्लॉग को इधर एंड कर। यहाँ से निकलते हुए जनाब मुझे व्यू नज़र आया, मैंने कहा यार यहाँ से ना व्यू भी लेना चाहिए। ऊपर देखे चाँद इतना खूबसूरत लग रहा है, यहाँ पे इन्होंने बड़ी लाइटिंग की हुई है। इस तरफ मेरे ग्रैंड सिटी है, और अभी हमारी जनाब जो वापसी हो रही है। एक दफ़ा तो ब्लॉग को मैंने एंड कर दिया, लेकिन दोबारा से फिर व्यू लेने पर मजबूर हो गया।